और इधर दिन भर उतार चढ़ाव के बाद बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। हालांकि कारोबार के दौरान निफ्टी ने 11,700 के स्तर को पार किया, लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं पाया। सेंसेक्स में 86 और निफ्टी में 19 अंक की बढ़त देखने को मिली। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी रजत। क्या कुछ रहा आज बाजार में कारोबार रजत? बिल्कुल, कल की भारी बिकवाली के बाद आज संभलने की कोशिश कर रहा था बाजार, और एक बार तो 11,700 के लेवल के ऊपर भी निकले थे, लेकिन उसके ऊपर टिकना थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि इस समय सेंटीमेंट है कमजोर। अब देखना होगा कि FOMC की बैठक में क्या निकल के आता है, लेकिन ओवरऑल निचले स्तरों से खरीदारी डेफिनेटली मार्केट्स पे देखने को मिली है। 11,700 के लेवल के करीब बंद हुए 19 अंक बढ़कर, और निफ्टी बैंक यहां पर थी आज आउट परफॉर्मेंस, 77 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुए हैं 30,350 के लेवल के ऊपर। लेकिन जो तेज हुआ उसमें आज वेदांता शामिल था, यानी कि मेटल माइनिंग स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। इसके अलावा BPCL, कोल इंडिया और ICICI बैंक जैसे जो स्टॉक्स थे यहां पर आज के सत्र में तेजी थी 2% से 2.5% के आसपास की। इंडेक्स हैवी वेट्स में आज के सत्र में जहां पर बिकवाली थी उसमें हिंडालको, एशियन पेंट सबसे ज्यादा टूटा। आज IB हाउसिंग यहां पर 7% ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, और येस बैंक भी कमजोर था 6% यहां पर आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। लेकिन जो खरीदारी थी उसको सिलसिलेवार तरीके से देखिए, उसमें सरकारी खेमा था आज। आज सरकारी बैंक्स में एक्शन था ही, सिंडिकेट, OBC, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स में। इसके अलावा सरकारी स्टॉक्स खुद चले जिसमें HPCL, BPCL, कोल इंडिया, BHEL, इन तमाम स्टॉक्स में आज दिनभर खरीदारी होती देखी हमने। NBFC शेयर्स पिछले सत्र में जो टूटे थे वहीं पर ही आज निश्चित रूप से खरीदारी बनती हुई नजर आई, जिसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, रेपको होम और PNB हाउसिंग जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। और IT शेयर्स लेटर हाफ में पकड़ और मजबूत करते हुए नजर आए, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये कुछ ऐसे हेक्साफेयर जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में मोमेंटम तेज देखने को मिल रहा था। सीमेंट एक और पॉकेट जहां बहुत ज्यादा पिटाई हो रही थी इन स्टॉक्स की, लेकिन आज उछल गए तमाम स्टॉक्स। गिरावट एक सेक्टर में देखने को मिली, वो था FMCG। आज के सत्र में दबाव डाबर में देखने को मिला, ज्योति लैब्स, इमामी और ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स में। और आज के जो एक्सीडेंट्स थे यहां पर नजर रखें, जेट एयरवेज आज भारी बिकवाली थी, 41% नीचे बंद हुआ एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में साफ हुआ ये स्टॉक। रिलायंस कैपिटल, जेनरिगेशन यानी कि कमजोर स्ट्रक्चर्स और कमजोर होते हुए नजर आए, और एक और पिरामल एंटरप्राइजेस, यहां पर भी 7% के आसपास की गिरावट थी। लेकिन कुछ स्टॉक्स आज के बाजार में जो एक्शन में थे उसमें वरुण बेवरेजेस शामिल था, SRF, डीमार्ट और प्राज इंडस्ट्रीज, रिटर्न शार्प थे इन स्टॉक्स में आज। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रजत, मार्केट की हर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, बाजार की हर जानकारी और कारोबार सब कुछ बताने के लिए। इधर